दोस्तों, व्हाट्सअप तो आप सभी लोग अपने फ़ोन में यूज करते ही हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ व्हाट्सअप के कुछ ऐसे नए अपडेट के बारे में जो कि अगर आप अपने फ़ोन में उसे यूज कीजिएगा तो आपकी कई प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। क्योंकि व्हाट्सअप में आपको तो पता ही है कि व्हाट्सअप एक से बढ़कर एक नया अपडेट ला रहा है, जिसमें कुछ नए अपडेट आए थे वो काफ़ी लोगों को मिल चुका है, लेकिन कई अपडेट ऐसे हैं जो कि अभी काफ़ी लोगों को पता नहीं कि कौन सा अपडेट है, उसे कैसे यूज करना है, तो वो सारा आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जितने अपडेट आए हैं आपके चैट को लेकर और स्टेटस को लेकर आए हैं, जो कि आप सबसे ज्यादा चैट और स्टेटस को ही यूज करते हैं, तो आपके स्टेटस और चैट को लेकर नए अपडेट आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो उसके लिए आपको अपने व्हाट्सएप में कुछ सेटिंग्स करना होगा, तो सेटिंग्स कौन सा है, उसे कैसे अप्लाई करना है, तो वीडियो में सारा प्रोसेस बताया हुआ है, तो वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं कीजिएगा। क्योंकि आप स्किप करके तो देख लेते हैं, फिर हमें कॉमेंट करते हैं, भाई ये हमारे फोन में वर्क ही नहीं कर रहा है। बात तो सही है। ऐसा बात नहीं है, सभी के फ़ोन में वर्क करेगा। आप जो अपने फ़ोन में व्हाट्सअप यूज करते हैं उसी के अंदर आपको अपडेट आया है और कुछ सेटिंग्स करना है, उसके बाद आपके फ़ोन में भी वो अपडेट काम करने लगेगा। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए मैं टाइम स्टे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक शिवम सोनी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम आ गए अब अपने फोन के होम स्क्रीन पर। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा व्हाट्सएप के नए अपडेट के बारे में, जो कि अगर आप अपने व्हाट्सएप में चैट करते हैं, स्टेटस देखते हैं, तो आपको कुछ अलग ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना होगा और वो अपडेट मिलेगा कैसे और कैसे यूज करना है, तो वीडियो में सारा प्रोसेस बताया हुआ है, तो वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आपके व्हाट्सएप स्टेटस से रिलेटेड है। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे किसी का भी स्टेटस देखते हैं, जैसे कि आप किसी का स्टेटस देख रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको रिप्लाई करना है तो डायरेक्टली आप रिप्लाई पर प्रेस करते हैं और उसके बाद उसे रिप्लाई करते हैं। जैसे कि आपको कोई भी स्टेटस अच्छा लगे तो आप उसे रिप्लाई करते हैं। तो इसमें आपको एक नया अपडेट क्या है कि आप उसे रिएक्शन कर सकते हैं, रिएक्शन इमोजी भेज सकते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले हमारे व्हाट्सएप चैट पे आया था कि हम किसी भी मैसेज को रिएक्शन इमोजी भेज सकते हैं, लेकिन अब आपका व्हाट्सएप स्टेटस में भी आ चुका है कि आप कोई भी स्टेटस देखते हैं और वो स्टेटस आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसे रिएक्शन इमोजी भेज सकते हैं। वो कैसे होगा तो देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि मेरा यहाँ पर एक फ्रेंड है, इसका मैं यहाँ पर देखिएगा स्टेटस देखूंगा और उसके बाद इसे मैं रिएक्शन इमोजी भी भेजूंगा। यहाँ पर जैसे कि मेरा फ्रेंड स्टेटस यहाँ पर डाला है तो उसे देख रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपको रिप्लाई पर प्रेस करना है। रिप्लाई पर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन इमोजी आ चुके हैं। अगर आप किसी का भी स्टेटस देखते हैं तो आप उसे रिएक्शन इमोजी भेज सकते हैं। डायरेक्टली आपको उस पर प्रेस करना है और उसके बाद उसके पास आपका रिएक्शन इमोजी चला गया। यहाँ पर देख सकते हैं जिसका भी आप स्टेटस पर रिएक्शन करेंगे, जैसे कि वो नोटिफिकेशन से नहीं देख पाया तो उसके मैसेज के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अलग ही यहाँ पर राउंड फिगर दे रहा है, जो कि उससे पता चल जाएगा कि वो मेरा स्टेटस देखकर कुछ रिएक्शन किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से उसका रिएक्शन यहाँ पर देखने में आएगा। तो आप बहुत ही आसान तरीके से अपने फ्रेंड के, फैमिली के, गर्लफ्रेंड का स्टेटस में रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको 8 ही रिएक्शन मिला है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ पहले यहाँ पर 8 ही मिला है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नया फीचर्स आएगा, उसके बाद यहाँ पर आपके जितना इमोजी आपको सेट करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी 8 ही इमोजी मिला है। अगर व्हाट्सएप ने कुछ और नया फीचर्स लाया तो यहाँ पर आपको सारे इमोजी देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे सेकेंड अपडेट के बारे में, जो कि आपके व्हाट्सएप चैट के अंदर आया हुआ है, जिससे कि अगर अपने गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, बॉयफ्रेंड से बात करते हैं या फिर अपने बॉस से बात करते हैं, कोई भी ऐसा पर्सनल बात करते हैं, तो वो अपडेट आपके लिए है और आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, थोड़ा ध्यान दिखिएगा। तो यहाँ पर आप किसी के चैट के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर किसी से भी आप मैसेज पर बात करते हैं, चैट पर मैसेज पर बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाय हेलो हो रहा है, यहाँ पर आपको हाय लिखना था तो यहाँ पर आप कुछ और लिख दिए। वैसे में अगर आपसे गलत कुछ लिखा गया आपकी गर्लफ्रेंड के सामने तो भाई आपका तो बैंड बज सकता है, या फिर आपके बॉस के सामने ही कुछ गलती लिखा गया आपके चैट पर तो भाई आपकी वो तो बैंड बजा देंगे। और आप जल्दी में करते क्या है, डायरेक्टली आप इसे होल्ड करते हैं उस मैसेज को और जाते हैं डिलीट पर, और डिलीट में जाने के बाद यहां पर आप डिलीट फॉर एवरीवन की जगह डिलीट फॉर मी पर प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर मेरे साथ भी हुआ है ऐसा और आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ ही होगा कि आप डिलीट फॉर एवरीवन की जगह डिलीट फॉर मी पर प्रेस करते हैं, तो ये आपके फोन से तो डिलीट हो जाता है मैसेज, लेकिन अगले बंदे के जिसे आप मैसेज भेजे हैं उसके फोन से डिलीट
नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप डिलीट फॉर मी पर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा कि एक नीचे यहाँ पर एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको ये एक या दो सेकंड टाइम देगा, उसी में आपको सेटिंग्स करना है। अगर आप एक या दो सेकंड मिस करते हैं तो आप में फिर ये दोबारा सेटिंग्स नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं हाई लिखा, यहाँ पर देखिए हाई सेंड किया और यहाँ पर मुझे इसे डिलीट करना है। यहाँ पर मैं इस पर होल्ड किया और उसके बाद यहाँ पर डिलीट पर प्रेस किया और यहाँ पर डिलीट फॉर मी पर गलती से मेरे से प्रेस हो गया। तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आ गया उंडो का, इस पर हम प्रेस करेंगे तो वो जो मैसेज है दोबारा मेरे फ़ोन में आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ, इस पर मैं जो मैसेज है उस पर प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पर डिलीट पर प्रेस किया और उसके बाद डिलीट फॉर मी पर प्रेस किया तो वो मैसेज डिलीट हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर उंडो किया तो ये मैसेज मेरे फ़ोन में दोबारा आ गया। और उसके बाद आप उस मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं। अगर आपकी गलती से डिलीट फॉर मी पर प्रेस हो गया तो आप उसे डिलीट फॉर एवरीवन कर अपने फ़ोन से भी और जिसे आप भेजें उसके फ़ोन से भी मैसेज डिलीट होगा। तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होगा, जिससे कि अगर आपसे गलती से कुछ लिखा जाता है, टाइप हो जाता है, तो आप इसे दोबारा से डिलीट कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही कमाल का ट्रिक। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर के ट्रिक के बारे में, जो कि आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन से रिलेटेड है। जैसे कि आप अपने फ़ोन में कोई भी ऐसा, जैसे कि ये चैट हो गया और आप चाहते हैं कि इस चैट को सिर्फ मैं ऑफलाइन शो करूँ, बाकी जितने भी हमारे फ़ोन में चैट हैं वो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन सब देख सकते हैं, लेकिन ये जो चैट है वो मुझे कुछ भी ना दिख सके, जब मैं ऑनलाइन हूँ वो भी ना दिख सके और मैं ऑफलाइन जाऊँ वो भी ये ना देख सके। हम किसी से ऑनलाइन होकर बात भी करेंगे तो इस पर कुछ भी शो नहीं करेगा कि हम ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन हैं। तो ये ट्रिक आप अपने फ़ोन में कैसे सेट कर सकते हैं तो उसके लिए थोड़ा ध्यान दिखिएगा। तो यहाँ पर आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको चले जाना है 3 डॉट पर और उसके बाद आपको चले जाना है सेटिंग्स के अंदर। और सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा अकाउंट के नाम से, तो आपको चले जाना है अकाउंट के अंदर और उसके बाद यहाँ पर प्राइवेसी के अंदर। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक नया ऑप्शन क्या है, लास्ट सीन एंड ऑनलाइन। पहले क्या था, सिर्फ लास्ट सीन दिया हुआ था, लेकिन अब क्या हो गया है, लास्ट सीन एंड ऑनलाइन। इस पर आप टाइप कीजिएगा तो यहां पर कुछ नए ऑप्शन आ चुके हैं, पहले नहीं था, पहले ये नहीं था एवरीवन सेम एज लास्ट टाइम, ये पहले ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब इससे क्या होगा, जैसे कि यहां पर आपको करना क्या है, माय कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट पर यहां पर प्रेस करना है। उसके बाद यहां पर जिस कॉन्टेक्ट से आप अपना लास्ट सीन ऑनलाइन हाइड करना चाहते हैं यहां पर उसे आप सर्च कर लीजिएगा, जैसे कि मैं इसे सर्च कर लिया और उसके बाद यहां पर प्रेस कर और यहां से ओके कर दिया। और ओके करने के बाद यहां पर अब आपको करना क्या है, इस पर फिर दोबारा आपको जाना है और यहां पर सेम एज लास्ट टाइम पर यहां पर प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, जैसे कि आप कभी भी अपने WhatsApp में ऑनलाइन आते हैं ऑफलाइन जाते हैं तो अगले बंदे को कुछ भी आपका स्टेटस मालूम नहीं चलेगा कि आप कब ऑनलाइन आए कब ऑफलाइन गए, ये मूवमेंट उसको कभी भी पता नहीं चल पाएगा। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से छुपाना चाहते हैं, जैसे कि आपकी 2 गर्लफ्रेंड है, एक से छुपाना चाहते हैं और एक से बात करना चाहते हैं, तो इस ट्रिक को अपने फ़ोन में आप यूज कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। अब हम बात करेंगे 4 सेटिंग्स के बारे में, जो कि WhatsApp में अपकमिंग अपडेट आने वाला है, बीटा वर्जन वालों को बहुत जल्द मिलने वाला है। अगर आप बीटा वर्जन नहीं है तो आपको कुछ टाइम के बाद मिलेगा, लेकिन बीटा वर्जन वालों को बहुत जल्द मिलने वाला है। जैसे कि आपको तो ये पता होगा कि हमारे फ़ोन में एक नया सेटिंग्स आया हुआ था जो कि था 1 टाइम ओपन। जैसे कि हम किसी को भी अगर फोटो सेंड करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली हम जाते हैं कैमरा पे और कैमरा में जाने के बाद कोई भी फोटो यहाँ पर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक नया ऑप्शन आया था 1 टाइम का, यहाँ पर देख सकते हैं आपके फ़ोन में भी होगा 1 टाइम का ऑप्शन आया था। उसके बाद हम किसी को भी हम सेंड कर देते थे तो वो एक ही टाइम उस फोटो को देख सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या सबसे बड़ा दिक्कत क्या था कि हम जैसे कि वो फोटो को हम देख तो सकते थे, लेकिन वो हमारे फोटो को स्क्रीनशॉट लेकर भी तो रख सकता था, ये तो बात आप मानते हैं ना। जिसे भी हम फोटो भेजे 1 टाइम को लेकर, वैसे में वो अगर फोटो देखता है तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, लेकिन WhatsApp में नया अपडेट क्या आने वाला है कि उस फोटो का आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। जो भी आपको 1 टाइम फोटो भेजेगा जिससे कि आप सिर्फ एक ही बार उसके फोटो को देख सकते हैं, उसे आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। इससे आपके प्राइवेट फोटो को लेकर बहुत ज्यादा प्राइवेसी आने वाली है, जिससे कि आप किसी को भी 1 टाइम को लेकर फोटो शेयर करते हैं तो वो आपका फोटो का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है, सिर्फ एक ही बार वो आपका फोटो देखेगा, उसके बाद उसके मोबाइल से वो फोटो ऑटोमेटिक ही डिलीट हो जाएगा। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा, मैं आपको 4 अपडेट बताया, 4 अपडेट में से सबसे बेस्ट अपडेट कौन लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये आपको अपडेट मिलेगा कैसे, तो आपको अपने फोन के प्ले स्टोर के अंदर चले जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है
व्हाट्सअप, व्हाट्सअप सर्च करने के बाद आपका जो व्हाट्सअप है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर आपका फ़ोन में व्हाट्सअप अपडेट है तब तो ठीक है, अगर अपडेट नहीं है तो यहाँ से उसे अपडेट कर लीजिएगा, उसके बाद ओपन कीजिएगा और उसके बाद अपने फ़ोन में जो भी अपडेट आया है वो अपने फ़ोन में आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।